हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सब लोग? होप से सभी अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं भी रेडी हो गई हूँ और मैं हल्द्वानी मार्केट जा रही हूँ क्योंकि ऊपर भाभी को करवा चौथ की थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। तो अभी चलते हैं उनके घर पर। तो हम पहुँचने वाले हैं उनके घर पर भाभी के। ये यहीं पर मिल गए। वेलकम। आज हम करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए हल्द्वानी जा रहे हैं, मैं और मेरी छोटी ननद जो कि एक लौती रह गई है उनके साथ हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। अभी हल्द्वानी को जा रहे हैं। अभी हम अपनी रास्ते पे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है क्योंकि इधर भी गेहूं के खेत हैं और इधर साइड भी गेहूं के धान के खेत हैं। इधर भी धान है, बीच में मुझे पता नहीं है। नंद को कोई चीज पता नहीं है क्योंकि क्योंकि ये ज्यादा खेतों में नहीं आती हैं। तो हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं अभी। और भाभी सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? तो सबसे पहले ज्वेलर के पास जा रहे हैं क्योंकि दीदी की लड़की हुई है तो उसके लिए पायल लेनी है, तो वहीं जाके मिलते हैं आप लोगों को। हल्द्वानी में आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है क्योंकि करवा चौथ का टाइम भी चल रहा है ना, तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। तो बेबी गर्ल के लिए हमने छोटी सी पायल ले ली है। एक यहाँ पे आगे में भी है ना, यहाँ पे भी सही देता है। अच्छी लग रही है। भीड़ तो देखो आज तो बहुत ज्यादा है। मेकअप का सामान ले रहे हैं अभी। ये बहुत ज्यादा है ना, डार्क व्हाइट हो गया था बहुत ज्यादा। नहीं, वही वाला ठीक है, ये वाला परफेक्ट है, ये वाला ठीक है। ये है शेड नंबर 4, मेरा 2 था, शेड नंबर 2। ठीक हो भैया? क्या क्या लेते हो भाभी तुम करवा चौथ में? कैलेंडर ले रही हूँ, सच में हंसी आ रही है यार। आज कितनी भीड़ है। कुणाल फास्ट फूड में भी भीड़ लगी है लेकिन वहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं, तो हम वहीं खाने के लिए आएंगे अभी। अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने नीचे, तब तक सामान ले लेते हैं, देन उसके बाद आएंगे फिर मोमोज खाने के लिए वापस वहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूरन भैया के शॉप पे, वहाँ से भाभी को पेटीकोट वगैरह लेना है अपनी साड़ी के लिए। हम भी वैसे जैसे साड़ी वगैरह लेनी होती है तो हम उन्हीं की दुकान से ही लेते हैं। तब पहुंच गए हैं यहाँ। भैया नमस्ते। नॉनवेज मोमो ऑर्डर कर दिए हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मुझे यहाँ के मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे तो ऐसा हो रहा है ना कि मैं कब घर जाऊँ और मैं कब सो जाऊँ। तो हम लोग आ गए हैं घर। अभी हम दालों के घर पे हैं। अब हम अपना अपना काम करते हैं। इतना अच्छा तो नहीं मानती है गुनू जितनी एक्टिंग कर रही है। वो भी बच्ची है, छोटी है वो भी। इसको बंद करे जाते कमरे में, वहाँ चुपचाप बैठे रहेगी। पांव थक गए भौगे। मैं भी तो भाव हूँ अभी, मेरे पैर में दर्द हो रही है। मम्मी,
दोस्तों भाभी भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं नहा धो करके और अभी नेल पेंट लगाने वाले हैं। आज फुल 16 सिंगार है क्योंकि आज भाभी का करवा चौथ का व्रत है। हाय गाइस, तो गाइस अभी हम लोग कमला भाभी के घर पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें रेडी करना है। एकदम बढ़िया को तैयार कर दिया है और कमेंट में बताना आप लोग कि भाभी कैसे लग रहे हैं। तो घर आकर भाभी लोगों को भी रेडी कर दिया था, तो अभी ये लोग यहाँ पे मंदिर में आ गए हैं अपनी पूजा करने के लिए जो शाम के टाइम की पूजा होती है। द्वीप दिखाकर बहन से कहा चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वो चंद्रमा को दीर्घ देकर भोजन। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल तो गाइस चांद आ गया है और अभी भाभी चले गए हैं छत पे, तो हम लोग भी छत पे जा रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो वो आ गया है चांद। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी चल रही है। कंप्लीट। तो गाइस चांद आ गया है और भाभी की पूजा भी कंप्लीट हो गई है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे ज्यादा पानी की प्यास लगी। पानी अभी